Om Shanti. You Swamaan Duara. Yoga ki Parakashtha. तो ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति का आधार है स्वमानधारी होकर रहना. वास्तव में स्वमान ही ब्राह्मण जीवन की शान है. स्वमान अर्थात स्व और मान. स्व अर्थात मैं आत्मा हूँ, मान अर्थात मैं महान आत्मा हूँ. तो जब हम स्वयं को महान आत्मा समझते हैं तो न चाहते हुए भी हमारे चेहरे पर ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी छा जाती हैं. तो स्वमान में रहना अर्थात बाबा ने जो हमें सिंहासन दिया है उस सिंहासन पर बैठकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना. जब हम स्वराज अधिकारी स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारा मन और बुद्धि हमारे आदेश का पालन करता है. जब चाहे हमारा मन मन मनाभाव का मंत्र का जाप करने लगता है तो स्वमान में रहने से सहज ही हमें बाबा की याद रहती है. दूसरी बात, स्वमान में रहना अर्थात माया से सदा सेफ रहना. क्योंकि हम माया की दुनिया में हैं तो जब हम स्वमान में स्थित होते हैं तो माया के प्रलोभन हमें बहुत छोटे लगने लगते हैं. माया हमें अपने तरफ आकर्षित करके रिझा नहीं सकती हैं. कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर हम स्वयं को अनुभव करते हैं. तो स्वमान में स्थित रहने से इस माया की दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से हम न्यारे रहने में सफल होते हैं. तीसरी बात है, स्वमान में रहना अर्थात अपनी मन और बुद्धि को सदा हल्के रखना. जब ईश्वरीय नशे का अनुभव होने लगता है तो मन बुद्धि बहुत हल्की रहती हैं और न चाहते हुए ऊपर परम धाम की ओर हमें ले जाती हैं और परम धाम में बाबा के सामने बिठाने का काम करती हैं. हमारे चित्त की वृत्तियाँ बहुत शांत रहती हैं जिससे योगाभ्यास में हमें बहुत सुंदर गहन अनुभूतियाँ स्वतः ही होती रहती हैं.
तो संगम युग में स्वमान में स्थित रहना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बिना हम श्रेष्ठ योग के स्थिति बनाने के सपने नहीं देख सकते हैं। बाबा हर रोज हमें स्वमान के सिंहासन पर बिठाते हैं, मुरली सुनाकर, योगाभ्यास कराकर, लेकिन हमें माया उस सिंहासन से नीचे उतारती रहती है। बाबा सिंहासन पर बिठाते हैं, माया वहां से उठा देती है। यही कसम कशा हमारा सारे दिन भर में चलता रहता है। तो प्रश्न उठता है, इतनी भगवान की पालना हम ले रहे हैं, फिर भी हम स्वमान के सिंहासन पर क्यों नहीं स्थित होते हैं? हमारा चेहरा क्यों नहीं बोलता है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान की पालना में पलने वाले हम महान आत्माएं हैं, हमारा चेहरा नहीं बोलता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सतयुग त्रेता युग में हम जो राजे महाराजे थे, हीरो पांडधारी थे, जैसे द्वापार में हमने प्रवेश किया, माया ने हमें अपनी जेल में डाल दिया। 2500 वर्षों तक माया के गुलाम बनकर हम रहे, जिससे आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। वो हीन भावना हमें स्वमान के सिंहासन पर बैठने नहीं देती हैं। इसलिए अभी आवश्यकता है स्वमान में स्थित होने की विधि को यथार्थ रीति से समझना। स्वमान में हम कैसे स्थित रहें, उसकी विधि क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो बाबा मुरली में स्वमान के पॉइंट्स हमें बताते हैं, उन्होंने से दो चार पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है जो हमें ईश्वरीय नशे की और ईश्वरीय खुशी की अनुभूति कराते हैं। हर एक का वो पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, तो वो पॉइंट सबसे पहले हमें सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ये आपने स्वमान का पॉइंट सेलेक्ट किया। अभी उसके बाद हमें उस पर मनन चिंतन करना है, विश्व कल्याणकारी आत्मा के संकल्प कैसे होंगे, उसके बोल कैसे होंगे, उसकी चाल चलन कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके कर्म कैसे होंगे। तो जैसे विश्व कल्याणकारी आत्मा के बोल चाल संकल्प होंगे, ऐसे मुझे अपने जीवन में धारण करने हैं। अभी ये विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, इसमें विश्व कल्याणकारी ये सिंहासन है स्वमान का, तो मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, अर्थात विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर हम स्थित हो गए। जब हम स्थित हो जाते हैं, स्वमान के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, तो हमारा चेहरा बदल जाता है, ईश्वरीय नशा स्वतः ही चेहरे पर छाया हुआ दिखाई देता है। उदाहरण लीजिए, कोई साधारण मनुष्य इलेक्शन करता है और इलेक्शन में जीतता है और वो मिनिस्टर बन जाता है, जब मिनिस्टर के सिंहासन पर वो बैठ जाता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। था साधारण व्यक्ति है,
लेकिन सिंहासन पर बैठने से उसकी मनोस्थिति बदल जाती है। तो ऐसे स्वयं परमात्मा से हमें ये स्वमान का सिंहासन मिला हुआ है। दुनिया में तो इलेक्शन होता है, यहाँ सिलेक्शन होता है। स्वयं परमात्मा हमारा सिलेक्शन करते हैं और परमात्मा हमें स्वमान धारी बनाते हैं, स्वमान का सिंहासन ऑफर करते हैं। तो हमें ये पक्का संकल्प लेना है कि जो मुझे बाबा ने स्वमान का सिंहासन दिया है उस पर मुझे सदा सेठ होकर रहना है, उस पर सदा बैठे रहना है। चाहे माया का कितना भी अपोजिशन हो, मुझे वो सिंहासन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत प्राप्ति कराने वाला सिंहासन है। ब्रह्मा बाबा को जिस दिन साक्षात्कार हुआ कि मैं नारायण बनने वाला हूँ, उसी दिन से बाबा को वो स्वमान नेचुरल रहता था और बाबा के चेहरे पर हमेशा नारायणी नशा दिखाई देता था। तो ऐसे आप कहेंगे आपने बाबा को तो नहीं देखा, स्वमान में कैसे स्थित होते हैं, इसके उदाहरण मूर्त ब्रह्मा बाबा को हमने नहीं देखा। कोई बात नहीं, आप जिस समय शिव बाबा गुलजार दादी जी के तन में आते हैं, उस समय केवल बाबा के चेहरे को देखो, चेहरा स्पष्ट बोलता है दुनिया की सर्वोच्च सत्ता हमारे सामने आकर बैठी हैं, ऐसा दादी के चेहरे से, बाबा के चेहरे से स्पष्ट दिखाई देता है। और जब बाबा महावाक्य उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है ऑल माइटी अथॉरिटी बहुत शक्तिशाली महावाक्य हमारे लिए उच्चारण कर रहे हैं, ऐसी भी अनुभूति हमें होती है। तो जो चेहरे पर नशा है, जो अथॉरिटी है, जो रुहाब है, जो फकूर है, उसमें हमें बाबा को फॉलो करना है, तो स्वतः ही हम स्वमानधारी होकर रहने में सफल हो सकते हैं। तो प्यारे बाबा का इशारा है कि समय के अनुसार अभी शक्तिशाली योग की अनुभूति बढ़ाते रहो। से शक्तिशाली योग की अनुभूति बढ़ाते रहने के लिए विशेष हमें चार बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। सबसे पहली बात है शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहना। बहुत गहराई की अर्थात स्वयं के असली स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट हमें देखना है और उसमें स्थित होकर उसकी बहुत गहन अनुभूति करनी है कि मैं केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, देह का भान बिल्कुल हमारा मिट जाए। और शक्तिशाली आत्म अनुभूति अर्थात मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस स्थिति में जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो आत्मा ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियाँ अपने में सौंधे ही खींचने में समर्थ होती हैं। इसलिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति की
स्वमान में स्थित रहने से बहुत सुंदर अभ्यास हमें करना है। दूसरी बात, शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना, बहुत गहराई की अर्थात परम धाम रूपी पीस पैलेस में जाकर बहुत समीप बाबा के समक्ष बैठकर बाबा के स्वरूप को निहारते रहें, उनके व्यक्तित्व को हम बहुत अच्छी तरह से देखते रहें और उनके गुणों को शक्तियों को भी फील करें। और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना अर्थात जैसे अर्जुन ने भावना में आकर कहा कि परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में है, तो ऐसे हमें बाबा का स्वरूप बहुत शक्तिशाली देखना है और अनुभव भी करना है कि शक्तियों के अथाह सागर परमात्मा से अथाह शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ती जा रही हैं, ऐसी सुंदर अनुभूति हमें करना है। तीसरी बात, ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना प्यार होता है उतनी हमारी बुद्धि रूपी तार बहुत गहराई से परमात्मा से जुड़ जाती है। इसलिए हमारे दिल में केवल परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, फल स्वरूप हम परमात्मा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति करते हैं, तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं और दूसरे तरफ ज्ञान सूर्य शक्तियों के सागर हैं, तो प्रेम स्वरूप याद शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती हैं और हमें बहुत शक्तियाँ बाबा से प्राप्त होती जाती हैं। चौथी बात, योग में सचमुच बहुत गहन और बहुत सुंदर अनुभव करने हैं तो हमारी मन और बुद्धि जो हैं ईश्वरीय नशे से भरपूर हो, ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो, तो परमात्म मिलन का मज़ा, परमात्म मिलन का आनंद, परमात्म मिलन की जो अनुभूति है वो बहुत ही सुंदर होती हैं। इसलिए स्वमान इसमें मदद हमें करता है, हमारे मन बुद्धि को सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रखता है, इसलिए सुंदर योग की अनुभूति भी हमें होती है। अभी इन चार बातों का अनुभव बढ़ाते रहने के बाद एक महत्वपूर्ण बात की आवश्यकता है, जो आत्मा परमात्मा का कनेक्शन है उस कनेक्शन में संपूर्ण एकाग्रता की अनुभूति करते रहना। जैसे बाबा कहते हैं आत्मा पर जो कट चढ़ी है, आत्मा पर जो विकर्मों की खाद चढ़ी हुई है वो हमें जला देना है, भस्म कर देना है, मिटा देना है, उसके लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना, उसके लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एकाग्रता से ही ज्ञान सूर्य की जो शक्तियों की किरणें हैं वो आत्मा पर एकाग्र हो जाती हैं, तो बहुत अच्छी तरह से योग की अग्नि प्रज्वलित होती हैं और उस योग की अग्नि में हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म पल भर में दग्ध हो जाते हैं। ये है एकाग्रता की जादू। लेकिन जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं, बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर एकाग्र करते हैं, मन बाबा से जुड़ जाता है, थोड़े समय के बाद बुद्धि वहाँ से हट जाती है, तो जब कनेक्शन टूट जाता है
उस समय बुद्धि को वहां से हटाकर बाबा पर एकाग्र करना है, तो ऐसे चेकिंग और चेंजिंग करने का अभ्यास को बढ़ाते रहना है और एक टक परमात्मा जो बाबा ज्ञान सूर्य हैं उनको हम एक टक देखते रहें, बहुत अच्छी तरह से उनके स्वरूप को निहारते रहें और हमारा दिल यही गाता रहे, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, ना देखूँ तुझे तो खिले नहीं जिया। बाबा आपको एक पल भी मैं नहीं देखता हूँ तो मेरा ये जिया नहीं खिलता है। तो ऐसे मस्ती में जैसे पूर्णिमा के दिन चकोर जो है पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता रहता है, झूमता रहता है, नाचता रहता है, ऐसे भी हम ज्ञान सूर्य स्नान जब करते हैं ऐसी मस्ती में हम मस्त रहकर बाबा से शक्तियों की किरणों को अपने में समाते रहें और शक्तियां स्वयं में भरते रहें, तो ये आत्मा रूपी बैटरी हमारी चार्ज होती जाएगी। तो क्योंकि हमें देखना है, हम योगाभ्यास हर रोज करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन हमारे जो पुराने खड़े संस्कार हैं वो परिवर्तन हुए नहीं दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? जो हमारे कठोर संस्कार है, कड़े संस्कार हैं, उन्हों को परिवर्तन करने के लिए ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की ही आवश्यकता है। इसलिए विशेष अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास में हमें ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति को बढ़ाते रहना है। तो बाबा से हमने पूछा था, मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिल रहे थे हम मधुबन निवासी, तो बाबा से प्रश्न पूछा था, बाबा हमारा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे समझेंगे? तो बाबा ने दो निशानियां बताई थी। शक्तिशाली योग हमारा अगर है तो एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है जिसमें हमारे विकर्म भस्म होते हैं, ऐसा आभास ऐसा एहसास हम एक तरफ होता है, और दूसरे तरफ एकदम हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। क्यों हल्केपन की अनुभूति होती है? क्योंकि विकर्मों का बोझ हमारा मिटता जाता है, हटता जाता है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपने संपूर्णता के समीप पहुँचते हैं, इसलिए हमें खुशी भी होती है। इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास मेरा बढ़ता रहे, यही तात और यही लात हमें सदा लगी रहे, क्योंकि स्वमान हमें संगम युग का जो अमूल्य समय है उसकी स्मृति को सदा ताजा रखता है। जब हमें स्वमान रहता है तो हम संगम युगी श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण आत्मा हैं, इसी नशे में हम रहते हैं, और संगम युग हमारा कमाई का समय है, प्राप्तियां करने का समय है, ये सारी स्मृति हमें सदा बनी रहती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कमाई जो शब्द है का माई, माई उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है, या होगी कमाई या होगी माई, माई माना माया हमारे पीछे पीछे दौड़ती रहती है, वो हमें कमाई करने नहीं देती हैं। लेकिन हम जब स्वमान में रहते हैं तो माया की दुनिया से उपराम होकर रहते हैं, तो हमारी बहुत अच्छी तरह से कमाई बढ़ती जाती है और हम स्वयं को मालामाल अनुभव करते रहते हैं। यही बाबा चाहते हैं, मेरा हर एक आत्मा रूपी जो बच्चा है, आत्मा रूपी जो लाल है, वो माला माल हो जाएं और मेरा नाम इस संसार में रोशन करें। यही बाबा की आँच हम बच्चों से हैं, वो हम सबको पूरी करनी है। हम सभी आशाओं के दीपक हैं, हमें बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है।
और आशाओं को पूर्ण करने का एक ही तरीका है, श्रेष्ठ स्थिति बनाना। ब्राह्मण बनकर श्रेष्ठ स्थिति बनाने में हम सफल होते हैं तो समझ लो हम बहुत बड़ा वरदान प्राप्त करते हैं, क्योंकि जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। सेवा हम चाहे जितना करते रहें लेकिन स्थिति अगर हमारी नहीं होती है तो हमें स्वयं से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए बाबा से संपूर्ण अधिकार हमें प्राप्त करना है, अच्छी तरह से अलौकिक खजाने प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आवश्यकता है योग की श्रेष्ठ स्थिति बनाना, बहुत सुंदर योग के अनुभव करना। अभी ब्राह्मण जीवन अपना कर हमारे पास में अलौकिक अनुभूतियों की पूंजी बढ़ती रहें, यही तात सदा लगी रहें कि ब्राह्मण संसार में सबसे धनी आत्माएं कौन हैं, जिन्हों के पास अलौकिक अनुभव का धन है वही वास्तव में धनी आत्माएं हैं। अगर हम कितने भी वर्षों से चल रहे हैं और हमारे पास अलौकिक अनुभव की पूंजी नहीं है तो हम धनी आत्मा नहीं कह सकते हैं स्वयं को। इसलिए अलौकिक अनुभव की पूंजी हमें बढ़ाते रहना है और अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो जितना बाबा हमें उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, ज्ञान के सागर बाबा, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, ऐसे सुंदर गहन अलौकिक अनुभव करते रहना। तो हम बहुत सुंदर योग का अनुभव करना चाहते हैं, चंद घड़ियों के लिए आप बोलो करना चाहते हैं, हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। ऐसी सुंदर गहन अनुभूति करेंगे जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चले हम सभी बहुत अच्छी तरह से स्वमान में स्थित होकर योग की पराकाष्ठा अर्थात ऊंचाई की स्थिति को अनुभव करें। इस देह रूपी दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता की रोशनी चारों फैल रही है। ज्योति सागर परमात्मा की संतान मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। दिव्य प्रकाश की किरणें मुझ चैतन्य ज्योति से चारों ओर फैल रहे। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है।
मैं आत्मा ज्योति विश्व कल्याणकारी हूँ। मुझ विश्व कल्याणकारी आत्मा को स्वयं विश्व पिता परमात्मा ने विश्व कल्याण के महान कार्य के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। वाहरे मैं स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। भाग्य विधाता भगवान का मैं भाग्यशाली बच्चा हूं। मैं आत्मा ज्योति इस देह रूपी दीपक को छोड़कर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ज्योति धाम की ओर उड़ रही हूँ। उड़ती हुई जा रही हूँ। इस साकारी विश्व की दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ। उड़ रही हूँ। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर न्यारी निराली दुनिया है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। ओम शांति शांति शांति।